जिसे बुरा लगता है, अब क्या करें, अब उसे लगने दो। तो यही तो एज होती है, 20 से 40 साल की एज ही तो होती है जिसमें लोगों को स्ट्रांग रहना चाहिए हमेशा। सामने वाला अगर आपसे कोई चीज़ कहे तो 10 बार सोचे कि मैं इससे कुछ गलत कहूँ, या उससे पहले वो रुके 10 बार रुके। तो कोरोना पैंडेमिक जब आया था तो हेल्थ इंपॉर्टेंट थी उस टाइम, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बस हेल्थ इंपॉर्टेंट थी। लाइक मारना कभी मत भूलना कि वक्त को वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, समझ गए हो गया आप इसका मतलब। तो दोस्तों आप लोगों का फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आजकल आपको लोगों को पता ही होगा कि कोरोना पैंडेमिक के बाद से हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो है हमारी हेल्थ। पर आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा 18 साल 20 साल के हो नहीं रहे, नशा स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो यही तो एज होती है, 20 से 40 साल की एज ही तो होती है जिसमें लोगों को स्ट्रांग रहना चाहिए हमेशा, हर चीज़ के लिए स्ट्रांग रहना चाहिए। कि सामने वाला अगर आपसे कोई चीज़ कहे तो 10 बार सोचे कि मैं इससे कुछ गलत कहूं, या उससे पहले वो रुके 10 बार रुके। तो ऐसे रहो, स्ट्रांग रहो, हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। तो आजकल के बच्चों को क्या हो गया, अब आप लोग देख ही रहोगे नशा इतना बढ़ गया है कि सब। तो मैं सबसे नहीं कह रहा, मैं कुछ ही लोगों की बातें कर रहा हूँ जो लोग ये करते हैं। तो बाकी तो काफ़ी लोग हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा पैंडेमिक, ये कोरोना पैंडेमिक जब आया था तो हेल्थ ही इंपॉर्टेंट थी उस टाइम, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बस हेल्थ इंपॉर्टेंट थी। तो उसी में आप लोगों ने फोकस नहीं किया। तो अब आप लोगों को मेरी बात गलत लग रही है तो आप लोग बता देना कमेंट में, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा आपसे। बट आप लोगों को अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हेल्थ कैसे बनाएं, ये कैसे करें। तो उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो दिन भर नशा करते हैं, 100-200 रुपए तो दिन भर का मतलब उनका खर्च हो ही जाता है। तो 100-200 रुपए भी नहीं लगता अगर आपको हेल्थ अपनी अच्छी चाहिए। तो अगर आप जिम भी आते हैं तो आपको न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए, तो आप 50 रुपए में भी आपका काम बन सकता है। 50 रुपए में बहुत अच्छा खाना आप लोग खा सकते हैं, और घर का खाना खाइए, रेस्ट करें। बस जिम जाने से भी, ऐसा नहीं कि जिम जाओगे तो बॉडी बनी जाएगी आप लोगों की, जिम से ज़्यादा ज़रूरी आपका खाना है और रेस्ट करना चाहिए आप लोगों को। बट आप लोग कोई करते नहीं हो, बस दिन भर घूमते रहते हो। बट ये आप लोगों को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा सब कुछ। तो सॉरी आप लोगों को अगर बुरा लगा तो। और कई लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, जिम भी नहीं हो पाता। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, हम उसमें आप लोगों का जवाब देंगे, आपको बता देंगे कि आप लोग घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जिम में भी क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितनी हमें आते हैं, हम कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है नहीं, हमने पहले ही बताया, बट जितनी भी हमें नॉलेज है हम आपको शेयर करेंगे, आप लोग मैसेज कर देना। तो आज की वीडियो जो होने वाली थी वो बाइसेप के ऊपर होने वाली थी, बट आज देखते हुए हम, मैं लेग की वीडियो बना रहा हूँ, तो आज हम लेग ट्रेन करेंगे। आओ चलते हैं हम आज की वीडियो की। तो दोस्तों कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम वार्म अप करेंगे। तो दोस्तों पहली एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट। तो स्क्वाट्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना, तो आपके जो पैरों की पोजीशन होगी वो आपकी ऐसी होगी कि जो आपके पैर होंगे ना वो आपके जो शोल्डर है उससे थोड़ा वाइड ही होंगे, वाइड रखना। और पैरों को जो आपके पंजे है उसे बाहर को करना, ऐसा नहीं कि आप ऐसे अंदर को करोगे ना, उसे हल्का सा बाहर को करना इतना। और आपको जो रॉड पकड़ोगे उसे शोल्डर से थोड़ा वाइड पकड़ना, इतना ये वाइड पकड़ना। और एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हम उल्टे साइड से कर रहे हैं। और एक चीज़ और, ये सेफ्टी बार है ना, ये हमने सेफ्टी बार लगा रखी, ये हमेशा लगाना, कई जिम उसमें तो पहले से लगी होती है बट हमने अभी लगाई है। ये सेफ्टी बार लगाना मत भूलना, या पार्टनर होना तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज में। तो एक बार मैं करके परफॉर्म करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए और आप लोगों को जो आपके हैम्स है उससे थोड़ा सा नीचे को जाना है और उठ जाना है ऊपर को। जैसे आपके हैम्स जो है वो ग्राउंड से सीधे पैलर हुए, पैलर से सीधे नीचे, फिर आपको सीधे ऊपर उठ जाना, वन। और चेस्ट हमेशा अप, अप। एक सांस लेनी है, अप। आपको प्रॉपर करना है, प्रॉपर ऊपर आना है, प्रॉपर नीचे जाना है।
ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। और ये हमारे हैम्स हो गए, ये कॉर्ड्स हो गए, और ये जो है काफ हो गए और ग्लूट्स हो गए पीछे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये काफ मसल के अलावा तीनों चीज़ को टारगेट करेगी। तो ये एक्सरसाइज तो भूलना ही मत, जब भी लेग मारते हो तो एक्सरसाइज तो ज़रूर करना। और इसके भी आपको वेट हर सेट में बढ़ाना है, और जो आपकी रैप रेंज होगी वो होगी 10 से 12, 15 भी कर सकते हो, और सेट आपको 6 मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 सेट मार लेना। तो ये तो पहली एक्सरसाइज होगी, ये दूसरी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जो लेग होता है वो हमारे शरीर का आधा हिस्सा तो कवर ही करता है, उससे नीचे को देखो आप लेग ही है हमारे, तो इसे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कई लोग ऐसे होते हैं जो लेग को ट्रेन ही नहीं करते, बट आज हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, इसे ज़रूर परफॉर्म करना आप लोग घर पे। ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये सभी करते हैं, बट एक फॉर्म जो है वो हम आपको थोड़ी फॉर्म बता दे रहे हो चीज़ करने के लिए, और जो लोगों को नॉलेज नहीं है हल्की सी वो हमें देख सकते हैं अच्छे से। तो दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे लंजेस। लंजेस में क्या होगा, हमारे जो कॉर्ड्स आगे का ये हिस्सा ये, और हमारे हैम्स हो गया और ग्लूट्स होगा, ये तीनों इंक्लूड होंगे। तो आइए एक बार लंजेस करके देखते हैं। तो लंजेस हम क्या करेंगे, वॉकिंग लंजेस करेंगे। तो उसके लिए हमें एक डंबल चाहिए, आप रॉड एक बारबल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हम डंबल ही ले रहे हैं। तो डंबल को आपको क्या करना है, हाथ ज़्यादा दूर नहीं करना है, ज़्यादा दूर करके कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा नज़दीक करना है इतना, और आपको चलना है नॉर्मली जैसे चलते हैं। तो जब आप बाहर को चलेंगे तो जैसे ये पैर रखेंगे तो इससे बाहर को ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे सीधा सीधा भी नहीं चलना है आप लोगों। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आप लोग, और सामने देखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे नीचे झुक गए, ज़्यादा नीचे भी नहीं झुकना है, और बार बार अपने जो नी है उसे ज़मीन में फोर्स मारना मत, बस करना बस। मैं तो आप लोगों को एक डेमो दिखा रहा हूँ, आप लोग एक जगह पे खड़े होकर भी कर सकते हैं, बस आप लोगों को ऐसे करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके भी आप 4 सेट तो कर ही लेना, 20-25 स्टेप भी ले सकते हो, बट वेट जो है वो इंक्रीज करना, हर सेट में वेट इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करना अपनी एक्सरसाइज में। तो आइए तीसरी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो आप देख ही रहोगे मुझे अभी इतना गीले होगी मेरी टी शर्ट, तो जब आप लोग लेग मारोगे तो तब क्या हाल होगा ये सोचना। तो जो तीसरी एक्सरसाइज है वो हमारी है, आपने डेड लिफ्ट तो मारी होगी, डेड लिफ्ट अब मैंने बताया नहीं अभी तक तो, बट कई लोगों को पता भी होगा डेड लिफ्ट क्या होती है। तो अभी हम करेंगे स्टिप लेग डेड लिफ्ट करेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, अपने जो लेग है उसे एक जगह पे ऐसे स्टिप कर देना है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार मैं परफॉर्म ही कर देता हूँ, बट एक बात ध्यान देना, इसके ये पैर है ये जो आपके शोल्डर है इसकी डिस्टेंस के बराबर ही होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा बाहर को होंगे, इतने होंगे। और हाथों को ये अपने नी है ना इसके बगल से लाना ऐसे, और एक बार तो पहले आप इससे एक बार ऊपर उठा ही लेना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो एक बार आप नॉर्मली पहले ऊपर ले आओ, अब देखना, अब आपको अपने जो नी है उसे हल्का सा बेंड करना है, और एक्सरसाइज इतना बेंड, अब भी ऐसे करना, आप देख रहे होगे मेरे जो लेग एकदम स्टिप हो गई एक जगह पर, ये 1 2, आप ऊपर भी आ सकते हो बट वेरिएशन करना है, तो आपको आप 3 बार देखो, 1 इतना 1 और एक बार 1, ये जैसे 3 होए फिर आपको एक बार ऊपर आ जाना है, नहीं तो आप हर बार भी ऊपर आ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, और आप मेरी बैक पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे झुकना, नहीं आपको बैक भी बेंड करनी है, और चेस्ट जो होती है वो अप रहती है हमेशा, तो ऐसे नी बेंड, तो ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। तो दोस्तों चौथी एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज होगी, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्सरसाइज, मतलब जैसे जिम आप लोग आजकल ही में स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 एक्सरसाइज करना, बट पूरा फोकस से करना, सेट अच्छे मारना, हर रैप में फोकस करना, तो 4 एक्सरसाइज बहुत है। तो जो अगली हमारी एक्सरसाइज नहीं, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, आजकल क्या है कि 20-22 साल के लड़के और एक भरा हुआ सिलेंडर तक नहीं उठा पाते, तो ये तो मतलब एक होता है ना कि थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए, तो एक्सरसाइज करो, अब कहाँ घर में छुपे पड़े हो, अब ऐसा तो नहीं, अब आप लोग कोरोना टाइम में आपने देखा ही होगा, कुछ मतलब कुछ काम आया, कोई चीज़ काम आई नहीं आई होगी, बस एक हेल्थ काम आई, जिसके बाद हेल्थ थी वो रहा, आपने देखा ही होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी जो है ये काफ है, इस मसल को ट्रेन करेगी।
तो यह है काफ रेजेस। काफ रेजेस करने के लिए आपको क्या करना है, एक रॉड ले लेनी है और प्लेन सरफेस नहीं, वैसे तो एक यहाँ पे एक तख्ता जैसा होता है जो वो रखा होता तो उसमें थोड़ा आपको वेरिएशन अच्छा मिलता, बट अभी तो हमारे पास है नहीं, अभी तो हम इसमें फ्लोर में दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है मैं तो प्लेन सरफेस में कर रहा हूँ, बट आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ रख सकते हो जैसे आप थोड़ा ऊपर हो जाओ। तो एक बार मैं दिखाता हूँ फिर से करके आपको, थोड़ा सा आगे पे आया फिर देखो, इससे आप खाली पंजे में उठना है यूँ, फिर नीचे, फिर एक बार ऊपर, एक या दो सेकेंड ऊपर, फिर नीचे, 1 2 फिर नीचे, 1 2 फिर नीचे, 1 2 नीचे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जैसे आपका बाइसेप दिखता है ना वैसे आपके लेग में ये काफ दिखता है। तो देखो, तो ये एक्सरसाइज भी आपको परफॉर्म करनी है। तो ये तो हमारी हो गई 4 एक्सरसाइज लेग की, तो लेग मारना कभी मत भूलना। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज़ मतलब मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, कोरोना टाइम में एक चीज़ तो मैंने बहुत अच्छे से सीखी कि वक्त को वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, तो समझ गए हो गए आप इसका मतलब। तो आज ही से मतलब अपने हेल्थ पे ध्यान देना, आज ही से ये जो भी नशा वशा जो भी करता है इसे छोड़ देना। अब क्या ही कहें, आप लोगों को बुरा भी लगेगा कई लोगों को कि ये क्या सिखा रहा है, तो अब मैं सबके लिए भी नहीं बोल रहा, जिसे बुरा लगता है अब क्या कर रहे हो, अब उसे लगने दो, अब वो क्या हो सकता है, बट स्ट्रांग रहो कि सामने वाला जब कुछ कहे तो आप मतलब सोचे हो कि हाँ मैं इससे कुछ कहूँ या ना कहूँ, रुक जाए ऐसा टाइप का, इतना स्ट्रांग बना, मतलब आप दिखने चाहिए भाई ये स्ट्रांग है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई भी ज़रूरी है बट हेल्थ भी ज़रूरी है। तो अगर आपको कुछ भी बोलना हो, मुझसे कोई भी कमेंट करना हो या कुछ भी कहना हो, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे उसका, या कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ध्यान देना, अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो देखते हैं बाइसेप पे बनाएंगे शायद। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।